नमस्कार, गुड मॉर्निंग पेलाग, अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बिरूर थवाल, देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, अभी की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है बूढ़ा मधेश्वर से भाई। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारी शाम हो चुकी थी मधेश्वर पे, ठीक है, और रांची से हम निकल गए थे दिन के 3:07 में खाना खाने के बाद, और हम मधेश्वर में पहुंचे थे 8:37 में। तो सुबह मॉर्निंग पे ही हम 4 उठ के हाथ में वगैरह धोने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद ना भाई, हम आ गए थे बूढ़ा मधेश्वर पे, और उजाले होते ही हम यहाँ पे बूढ़ा मधेश्वर में पहुंच गए हैं। और मधेश्वर से बूढ़ा मधेश्वर की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर भाई, ठीक है। और यहाँ देखो भाई, यहाँ पे है बूढ़ा मधेश्वर। सबसे पहले मैं आपको बूढ़ा मधेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ, फिर आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। तो यार दोस्तों, यहाँ पे देखिए बूढ़ा मधेश्वर महादेव। और सबसे पहले मधेश्वर भगवान जी को प्रणाम करता हूँ और सभी यूट्यूब फैमिली की तरफ से प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भी बूढ़ा मधेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद लीजिए भाई। और उसी के साथ साथ मैं अगर आपको इस एरिया में दिखाऊँ ना, यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है और इधर साइड देखो काफ़ी सारी गायें यहाँ चरती हैं, क्योंकि ये बुग्याल है और एक तालाब है यहाँ पे। तो मंदिर के दोनों साइड पे तालाब है भाई। तो यार दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, पांचों के पांचों, और सभी लोग सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए अपने अपने कैमरा तत्पर रखे हुए हैं। और जैसे ही सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह और क्या बोलते हैं टाइम लैप्स वगैरह बन जाएंगे ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी के साथ साथ देखो भाई, चारों तरफ का नज़ारा इतना खूबसूरत सा है ना। और एक मज़े की चीज़ ये बताऊं भाई, बूढ़ा मधेश्वर किस चीज़ के लिए जाना जाता है, सूर्योदय के लिए, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ होती हैं बर्फीली पहाड़ियाँ, और जब सूर्य उगता है ना भाई, एक अद्भुत नज़ारे के साथ उगता है। लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है, देखते हैं अगर उस टाइम तक मौसम साफ हो गया ना, तो वो सनराइजिंग आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। तब तक आप देखो चारों तरफ का खूबसूरत सा नजारा। तो धीरे धीरे उजाला होने लगा है और हल्की फुल्की हमें बर्फीली चोटियां दिख रही हैं, जले हुए बादल दिख रहे हैं, काले काले बादल दिख रहे हैं, और चारों तरफ से सेट हमारे कैमरे दिख रहे हैं। यहाँ पे सेट है पंवारदा का कैमरा, वहाँ पे सेट है मासाब जी का कैमरा, वहाँ पे सेट है कविदा का कैमरा, और सबसे दूर सेट है गोपालदा का कैमरा। और मेरा कैमरा फ्री हुआ तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग की शुरुआत ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंतजार हो रहा है, और ये देखो भाई कुछ इस तरीके से कैमरे लगे हुए हैं, झापझुप गोप्रो कर रहा है, और इधर कर रहा है मां साहब का बड़ा बड़ा वाला DSLR जो ऐसे लंबा करके अपना नाक निकालते हैं। ये देखो, तो कैसा लग रहा था जी यहाँ के? अद्भुत मजा आ गया ना। हाँ भाई, क्या ही खूबसूरत नजारा है यार, ये देखो। तो भाई दाजू की फोटोग्राफी देखो ये, ओ भाई। तो इतना बड़ा नाक वाला लेंस होने का फायदा यही है ना, दूर की चीजें साफ आ जाती हैं। ये देखो भाई फोटो, तो ये फोटो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो यार दोस्तों, काफ़ी इंतजार करने के बाद ठीक सामने चौखंबा पर्वत से बादल हट चुके हैं और धूप की किरणें उसमें पड़ी हुई हैं, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, पूरा गोल्डन लग रहा है, मज़ा आ गया देख के भाई। तो यहाँ पे है बूढ़ा मधेश्वर मंदिर, और ठीक सामने तालाब, और चौखंबा पर्वत की जो प्रतिमा है ना, वो ठीक तालाब में बन रही है, और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी वगैरह चल रही है। तो यार दोस्तों, धीरे धीरे बूढ़ा मधेश्वर की चोटी पे ना भाई, हल्की फुल्की सी धुंध छा गई है, और काफ़ी खूबसूरत सा ये नज़ारा दिख रहा है। और मंदिर देखो भाई कितना प्यारा लगा, हल्की फुल्की सी धुंध में हल्का नज़ारा दिख रहा है, और चौखंबा पर्वत की चोटी पे पड़ी है धूप, और वो भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। धीरे धीरे सभी पर्वतों की धुंध हट रही है, बादल हट रहे हैं, लेकिन ये वाली धुंध पता नहीं कहाँ से आ गई अचानक से, तो सभी धुंध में गायब से हो गए हैं।
तो यार दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा हम लोगों ने यहाँ देखा और देखे यहाँ काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सी पहाड़ियाँ और इतना खूबसूरत नज़ारा है ना भाई, यहाँ आके दिल खुश हो गया। और सही में भाई ऐसी टॉप चोटियों में ही देवी देवताओं का वास होता है कहते हैं ना, सही कहते हैं भाई। यहाँ आके जो सुकून की अनुभूति मुझे हुई है ना, एक मजा ही आ गया है, एक अलौकिक शक्ति है भाई। अगर आप चारों तरफ देखोगे ना, जब हम देख रहे थे उजाला होते टाइम का जो नज़ारा दिख रहा था ना भाई, आहा, ऐसा लग रहा जैसे देवी देवता आसपास ही घूम रहे हो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आनंदमय था। और इसी के साथ साथ मैं आपको अगर चारों तरफ का अगर 360 व्यू दिखाऊँ ना भाई, ये है भाई, अभी थोड़ी सी धुंध भी हटी है और चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये देखो भाई, चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, अद्भुत और अलौकिक है भाई। यार दोस्तों अब बाबा बूढ़ा मध महेश्वर से लेते हैं विदा और बोलते हैं बाबा जी को टाटा बाय बाय और निकलते हैं मध महेश्वर टेम्पल की ओर। और जो यहाँ मज़ा आया ना भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल आता था यार। कभी आओ विजिट करो, आपको भी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा भाई। बहुत ही अद्भुत, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को जो मैंने यहाँ फील किया भाई। बहुत ही माइंड ब्लोइंग था भाई। तो यार दोस्तों बुग्यालों में आए और यहाँ जानवर देखने को ना मिले तो बुग्याल बुग्याल ना रहेंगे, ठीक है। तो ये देखो मस्त करके घोड़े वगैरह चल रहे हैं, एक घोड़ा यहाँ है, दो घोड़े आगे पे है, एक नीचे खा रहा है, दो ऊपर खा रहे हैं, ये देखो। तो यार दोस्तों दूर नीचे पे दिख रहा है मध महेश्वर मंदिर और रात में आने के कारण ना मैं ये वाला लोकेशन आपको दिखा नहीं पाया था। और कहीं उस रूट से हम आए हुए थे, ये वाला रूट पकड़ते हुए, इस रूट को पकड़ते हुए, इस रूट को पकड़ते हुए ऊपर टॉप में गए थे और वहाँ था बूढ़ा मध महेश्वर, जो कि आपने जहाँ के आपने खूबसूरत से नज़ारे देखे, भरतनाट्यम देखा और भी बहुत कुछ सिनेमेटिक शॉट्स देखे। तो अब हम जा रहे हैं नीचे को, आ रहे हैं अभी नीचे बूढ़ा मध महेश्वर से नीचे को डाउन उतर रहे हैं और डाउन उतरने के बाद आपको कराते हैं इसके बाद मध महेश्वर के दर्शन। फिर आंटी जी बोल रही थी कि अगर आप ऊपर से नीचे आने तक मैं आलू के पराठे बना के रखूँगी करके, तो भाई फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद ना आलू के पराठे लपेटने फिर जाना है घर की ओर भाई। कालू मख्या ले आगरा नहीं आई मैं बड़ा मस्त प्यारा डॉगी है यार। तो भाई ये है भोटिया डॉगी, जो कि बकरी वालों के साथ खास तौर पे पाया जाता है। और भोटिया डॉगी की पहचान दिखाऊं, इनके जो लोंड है ना ये फरकी रहते हैं, ये देखो ये। ओयो दोस्तों, अच्छा आप पुजारी हो या के? पुजारी जी, पुजारी जी उधर रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप सेवक यहीं के होंगे? यहीं के होंगे आप? गोंडार गाँव के। अच्छा, जो ये मंदिर है ना ये गोंडार गांव के अंदर आने वाला हुआ या फिर पंच केदारों में से, जैसे चार धाम यात्रा होती है ना, या उनमें आता है? पंच केदार में। अच्छा, जो चार धाम यात्रा होती है वही कंट्रोल करते हैं इस मंदिर के जो भी रख रखाव को भी? अच्छा अच्छा, ठीक। तो भोले भगवान के लिए रगड़ा जा रहा है चंदन। ये चंदन कहाँ से लाते हो? ये वाला तो उधर से आता, कर्नाटक से आता। अच्छा अच्छा, सफेद चंदन है ना ये? तो भोलेनाथ के लिए हो रहा है भैया चंदन तैयार। अभी तो अभिषेक नहीं होगा? नहीं अभी नहीं, 10:30 बजे बाद। 10:30 बजे ना, चलो ठीक। यार दोस्तों
तो यार दोस्तों बूढ़ा मध महेश्वर की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं मध महेश्वर महादेव के मंदिर पे। और ये देखो पंच केदारों में से द्वितीय केदार के नाम से जाने जाते हैं मध महेश्वर देवता, और काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है। तो लगभग हमारे उत्तराखंड में जितने भी शिव मंदिर हैं लगभग इसी स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी अद्भुत भव्य और खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हर हर महादेव। और मंदिर की बनावट देखो ना भाई, काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। और यहाँ पे है एक छोटा सा कुंड जिसके चारों तरफ शिवलिंग टाइप से आकार के पत्थर हैं, शायद शिवलिंग ही हो। और ये देखो भाई यहाँ भी मंदिर है, और ये पीछे स्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा है भाई, खूबसूरत। और यहाँ देखो भाई छोटे छोटे दो मंदिर और हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है गौरी शंकर मंदिर, जय हो प्रभु, जो कि ब्रह्म कमल भी चढ़ा रखे हैं भाई। और यहाँ पे है पार्वती माता मंदिर, ये देखो काफ़ी खूबसूरत प्राचीन मंदिर, इसमें भी ब्रह्म कमल चढ़ा रखे हैं। और मंदिर के पास ही हमें दिखता है एक खूबसूरत सा धारा, और पंडित जी से हमने पूछा तो नहा सकते हैं या नहीं करके, तो पंडित जी ने बोला कि इसमें नहा सकते हो आप। तो यार दोस्तों रात को हमने ये वाली खड़ी चढ़ाई तय करके गए थे ऊपर बूढ़ा मध महेश्वर पे, और मध महेश्वर जी के दर्शन कराए। और पंडित जी से भी मैंने बात की तो वो बोल रहे थे लगभग 10 बजे रुद्राभिषेक होगा करके, पूजा पाठ 10 बजे होगा। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं जहाँ पे हम रुके हुए थे अपने होम स्टे पे, और काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है क्योंकि हम लगभग 2 दिन से कंटिन्यू ट्रैक कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम जाएंगे एक नए ट्रैक पे, वो भी आपको दिखाएंगे, और सस्पेंस बना रहना चाहिए ना, तभी तो आपको भी मज़ा आएगा। तो ये है सीन। और बाकी यहाँ जैसे कि मैंने बताया था दीदी लोग बनाएंगे करके आलू के पराठे की बात कर रही थी, तो दीदी ने क्या टेक रखे हैं दीदी? आलू, अभी आलू रखे हैं भैया। आलू रख रखे हैं, तो थोड़ी देर बाद हम गर्मा गर्म खाएंगे आलू के पराठे, फिर जाके दर्शन करने, पहले दर्शन करेंगे फिर आलू के पराठे खाएंगे, फिर निकलेंगे शॉर्ट शूट। तो यार दोस्तों नहा धो कर लिया हमने बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से, अब हम कर रहे जा रहे हैं महादेव के दर्शन। और ठीक नीचे पे मंदिर है, सभी लोग तैयार हो चुके हैं, और डमरू की डमडमाट के साथ हम दर्शन करने जाएंगे भैया। हाँ ये वाला है, ये वाला, हाँ अब बजाओ, सिखा दिया, गुड बॉय। तो चलो अब दर्शन करते हैं, और आप लोगों को भी मंदिर परिसर एक बार अच्छे से दिखा देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग पे तो क्या था ना, अच्छे से धूप थी नहीं, अभी धूप की किरणें पड़ी हैं, तो काफी खूबसूरत लगेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अभी मंदिर परिसर में अच्छे से धूप आ गई है, और चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ हरियाली दिख रही है, और ऊपर आसमान में दिख रहा है सफेद सफेद बादल, और ये खूबसूरती मंदिर परिसर को और भी ज्यादा खूबसूरत कर रही है भाई। तो चलो अब मंदिर के दर्शन करते हैं, और आप लोग भी आशीर्वाद प्राप्त कर लो भोलेनाथ का। दर वी आर फाइनली, हमने दर्शन कर लिए हैं, और टीका वगैरह काफ़ी खूबसूरत सा त्रिकोण तिलक लग चुका है, जो कि महादेव का सबसे प्रिय तिलक है। अब करते हैं महादेव की परिक्रमा, फिर उसके बाद निकलते हैं भैया घर की ओर। अब आप मेरे साथ आप भी परिक्रमा कीजिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
तो यार दोस्तों फाइनली पूजा वगैरह करके आ गए, आरती करके हम आ गए हैं और अब करते हैं नाश्ता और यहाँ से निकलते हैं। तो यार दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और महादेव जी की आशीर्वाद सभी को बना रहे। महादेव के बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। हाँ तो यार इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।